चलिए और सेहत पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मुंबई में मौजूद अपने संवाददाता शाहिद अंसारी से। शाहिद, घर ले आया गया है दारा सिंह को, क्या ये मान लिया गया है कि अब दारा सिंह के रिकवर करने की उम्मीदें संभावना बिल्कुल नहीं है? जी बिल्कुल, चूंकि जो उनकी पोजीशन है और जो बीमारी का सबसे ज़्यादा जो असर हुआ है वो उनके दिमाग पे हुआ है, और उसके बाद अगर डॉक्टर की माने और खुद उनके बेटे जो बिंदु दारा सिंह हैं उन्होंने जो बातें कही हैं उसको देखते हुए साफ समझ में आ रहा है कि अब नाउम्मीद नाउम्मीद हो चुके हैं सब लोग। चूंकि डॉक्टरों के मुताबिक या खुद दारा सिंह ने जो अपने ज़िंदगी के आखिरी दौर में कहा था कि वो अपने घर पर आखिरी लम्हा बिताना चाहते हैं, तो उसको मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर ने भी उन्हें सलाह दे दी है कि बिंदु दारा सिंह को उन्होंने कहा है कि इन्हें आप घर लेके जाएं ताकि घर वालों के साथ आखिरी दौरान वो बातचीत या कुछ कर सकें या जो उनकी ख्वाहिश थी वो पूरी हो सके। जहां तक बात करें कि बीमारी की और उससे बचने की, तो जो दिमाग पे जो असर पड़ा है अब तक इस बीमारी के, यानी जो ब्रेन हेमरेज जो हुआ है उस पर दवा का भी कोई खास असर का मतलब खास असर नहीं हो रहा है। हालांकि डॉक्टरों ने जो 4 दिन से कोशिशें की है उनमें हर मुमकिन कोशिश की गई है कि दारा सिंह को किसी भी तरीके से बचाया जा सके, लेकिन डॉक्टरों की सारी कोशिशें अब तक नाकाम हो गई हैं क्योंकि बीमारी का जो असर हुआ है वो बहुत ज्यादा हुआ है। घर पे बिंदु दारा सिंह ने मीडिया से भी बातचीत करते हुए यही कहा है कि जो उनके लिए इतने सारे लोगों के कॉल फोन से और जो दुआएं हो रही हैं बस एक ही आखिरी रास्ता है जो दुआ और चमत्कार, इसी के जरिए उनकी बेहतर हालत हो सकती है। बाकी अगर बात करें कि जो हॉस्पिटल में या दवाओं का जो अब तक सिलसिला चालू रहा है उनसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ा है क्योंकि उनकी जो अवस्था है वो काफी आखिरी दौर में पहुंच चुके हैं। तो अब उनके जो डॉक्टरों की सलाह थी कि उनके घर वालों के साथ आखिरी लम्हों में जो बातचीत कर सकें या देख सकें, इसीलिए उन्होंने घर जाने का मशवरा दिया है। तो इस मशवरे पर अमल करते हुए बिंदु दारा सिंह ने उनको रात में ही घर अपने ले घर में अभी उनके कंडीशन को कंडीशन इसी तरह का किस तरह से रह